आज दूसरों की बेटियों की इज्जत उछाली जा रही है, दूसरों की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तुम चुप बैठी हो, तुम्हारे अंदर कलेजा नहीं है बोलने का, और जाकर के तुम संसद में जो है राहुल गांधी और तमाम लोगों के ऊपर गला फाड़ती हो, और आज जब देश की बेटियां, देश की महिलाएं जो है वो उसमें है, तो आपको स्मृति ईरानी जी साफ सुन जाता है। राहुल गांधी बरसे गरजे भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, आप देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही द्रोही है, ये बड़ा बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। बातचीत करते हैं अतुल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, लगातार चर्चा करते रहते हैं तमाम मुद्दों पर, कमबैक राहुल गांधी का, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां आए, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल कर रहेंगे, और राहुल नहीं ये आंधी है, भाजपा को 24 में उखाड़ फेंकने वाला गांधी है, गांधी है। मेरी बहन आप समझिए कि देश को एक भविष्य का नेता मिल चुका है, और पूरा भारत भारती आज खुली बाहों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी का इंतज़ार कर रहा है कि वो इस देश का नेतृत्व करें, और अब नफरत की विचारधारा को मिटाने के लिए एक आंधी चली है राहुल गांधी के रूप में, और पूरा देश आप देखेंगी कि आने वाले समय में एक होगा, और इस नफरत की विचारधारा के खिलाफ, इस लूट बाट हिंसा अलगाव की विचारधारा के खिलाफ इंडिया के साथ इस देश का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, दबा कुचला, वंचित, शोषित खड़ा होगा, और इस देश को फिर से जो है सोने की चिड़िया बनाने का काम करेगा। मैं तमाम चीज़ों पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले जब सदस्यता छीनी गई राहुल गांधी की, रद्द की गई, तब भी अडानी के मुद्दे पर वो जमकर सवाल करते रहे, और आज शुरुआत भी कहीं ना कहीं आले ढाले में अडानी से ही की, कहा कि बीजेपी के मित्र डरो मत, मैं अडानी पर सवाल नहीं करूँगा। घूम फिर कर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, हम बार बार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अडानी जो है वही नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी ही अडानी है। अडानी तो एक चेहरा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत खड़ा है वो नरेंद्र मोदी है, और मोदी का पैसा ही अडानी का पैसा है, अडानी का हेलीकॉप्टर ही मोदी का हेलीकॉप्टर है, अडानी का ही जो है पूरा मीडिया ग्रुप मोदी का मीडिया है, ये दो चेहरे हैं, और इसी चेहरे को, चेहरे का पर्दाफाश करने वाला राहुल गांधी को इन लोगों ने साजिश के तहत जिस तरीके से पूरा कुचक्र रचा, और आज देखिए ना, मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा और आरएसएस को करारा तमाचा मारा है, राहुल गांधी की सदस्यता। आप बार बार हम कह रहे हैं कि ये गांधी की धरती है, ये भगवान बुद्ध की धरती है, ये जो है विष्णु की धरती है, आप किसी को जो है ख़त्म कर सकते हो, मिटा सकते हो, लेकिन उसके विचारों को, उसकी मेहनत को, उसकी जो उसकी ईमानदारी है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, और पूरे देश ने जश्न मनाया है। एक तरफ जो है अधर्म हारा है और धर्म जीता है, एक तरफ झूठ ख़त्म हुआ है, सच की स्थापना हुई है, और मेरी बहन आप देखेंगी कि 2024 में साहब मोदी जी की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। अब आप चेहरा देखते होंगे प्रधानमंत्री का, डरे हुए और बुझे हुए दिखते हैं, इसीलिए दिखते हैं क्योंकि एक शक्ति, भारत की शक्ति, भारत माता की शक्ति अब इस नफरत की विचारधारा को ख़त्म करने के लिए आतुर है, और अभी आप देखेंगी कि 24 में किस तरीके से इस पूरे देश का समीकरण बदलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं ना कि लास्ट बॉल पर सिक्स मारना है, अब सेमीफाइनल में हराना, हार चुके हैं इंडिया पार्टी जो आपका गठबंधन बना है, अब फाइनल में भी टक्कर देनी है मजबूती के साथ, और एक और बड़ा नारा दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इंडिया छोड़ो, ये तो खुलकर चुनौती दे रहे हैं पीएम मोदी आपको। देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं लास्ट बॉल पर छक्का नहीं मारो,
लास्ट बॉल पे दंगा कराओ, क्योंकि और इसमें नुकसान किसका है मेरी बहन, आप बताइए ना, इन दंगों में किसका घर जलता है, इन दंगों में किसके जो है मकान उजाड़े जाते हैं। राजनीति तो जमकर होती है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष की बात करें। सदियों लगते हैं एक आशियां बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? देश को जला करके राजनीति करोगे? की बात करें, मणिपुर भी काफी महीनों से जल रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए। दुख है बहन। सर, राहुल गांधी ने सुबह ही सदन के भीतर बयान दिया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। ये कैसा बयान, जिसको लेकर बीजेपी आपको लगातार घेर रही है? नहीं, हम तो बार बार खुले मंचों से कह रहे हैं, आज इनको स्मृति ईरानी को साफ सुन गया है, यहाँ पे जो है डेली शो चल रहा है, ये अभिनय और तमाम चीजें गिनवा रही है सदन के भीतर राहुल गांधी पर। महिला के नाम पर मुझे शर्म आ रही है कहते हुए, महिला के नाम पर, कि ऐसी महिला मंत्रियों को सीधा बर्खास्त कर देना चाहिए जो महिला की संवेदना जाने। आप बताए, अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए बहन, क्या आज दूसरों की बेटियों की इज्जत उछाली जा रही है, दूसरों की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तुम चुप बैठी हो, तुम्हारे अंदर कलेजा नहीं है बोलने का, और जाकर के तुम संसद में जो है राहुल गांधी और तमाम लोगों के ऊपर गला फाड़ती हो, और आज जब देश की बेटियां, देश की महिलाएं जो है वो उसमें है, तो आपको स्मृति ईरानी जी साफ सुन जाता है? ये कितने शर्म की बात है कि आज महिला के लिए, महिला यही भारत माता की बेटियां थी, पहलवान थी, आपका चैनल था, आपके नजरों के सामने सड़कों पर घसीटा गया, उनके साथ जो है मैन हैंडलिंग की गई, और ब्रजभूषण कौन है? नरेंद्र मोदी का दमाद लगता है क्या ब्रजभूषण? आप बता, आज तो वो बोल रही है, स्मृति ईरानी कह रही है कि मणिपुर पर क्यों चिल्ला रहे हैं, राजस्थान क्यों नहीं याद आ रहा है? बलात्कारियों और अपराधियों की सरकार है, इस सरकार में महिला जो है वंचित है, शोषित है, अत्याचार से पीड़ित है, क्योंकि आज महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोग सत्ता में है, RSS महिला विरोधी है, जाकर इतिहास देखिए RSS का, आज तक एक भी महिला। देखिए कल से चर्चा चल रही है अविश्वास प्रस्ताव पर, तमाम लीडर्स चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि मणिपुर पर जवाब तो नहीं आ रहा केंद्र सरकार की ओर से? तमाम मंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान याद कीजिए, आप बंगाल याद कीजिए। मेरी बहन, ये कहां जवाब देते हैं? ये ना तो महंगाई पे जवाब देते हैं, ना ये महिलाओं के मुद्दे पर जवाब देते हैं, ना ये जो है बेरोजगारी पर जवाब देते हैं, ना किसानों के मुद्दों पर जवाब देते हैं, ना दलितों पर हो रहे अत्याचार पर जवाब देते हैं, ये जवाब किस पे देते हैं? आप बताइए ना, जवाब ये कहीं नहीं देते हैं मेरी बहन। देश राहुल गांधी जनता पार्टी है, गांधी ने अहंकार का जिक्र किया, गुमराह करो, अभी सीमा हैदर, फीमा हैदर, क्या जो है मणिपुर से बड़ी है सीमा हैदर? क्या जो है आज इस देश के युवा जो आत्महत्या कर रहा है उससे बड़ी है सीमा हैदर? ये भ्रांति जनता पार्टी है, जब भी इसे मेन मुद्दे से भटकाना होता है तो ये नए मुद्दे का सगुफा छोड़ देती है जनता मुद्दों से डरती है बीजेपी, बिल्कुल डरती है। आज आपने देखा राहुल गांधी के भाषण में लोकसभा स्पीकर को दिखा रही है और पूरा लोकसभा का कैमरा का जो फोकस है वो हिला रही है। भाजपा बहुत बुरी तरीके से डर चुकी है, और आज नरेंद्र मोदी को सपने में कौन डरा रहा है? भारत माता का लाल राहुल गांधी डरा रहा है और आंखें दिखा रहा है, और आप देखेंगी कि 24 में जो ये गठबंधन बनेगा इनके परखच्चे उड़ाने वाला है, परखच्चे। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, साथ ही अहंकार का जिक्र भी किया जो उनके भीतर था यात्रा से पहले, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी है, अहंकारी रावण की लंका उनके अहंकार से जली। ये जो बयान सामने आया है, ये तो अपमान हो गया देश के प्रधानमंत्री का। कैसा अपमान हो गया देश के प्रधान? 700 से अधिक किसान जब इस दिल्ली के बॉर्डरों पर तरफ तरफ का मर जाता है तो प्रधानमंत्री को दया नहीं आती है? जब मणिपुर में महिला का नग्न परेड निकाला जाता है तो नरेंद्र मोदी को दया नहीं आती है? जब इस देश का युवा लगातार आत्महत्या करता है तो नरेंद्र मोदी को दया नहीं आती है? ये कौन सा घमंड है? अरे रावण को तो सिर्फ लंका का घमंड था, इस जुमला जीवी को तो इतना बड़ा घमंड है कि ये पूरा देश बेच डाला इसने। कहाँ जाएंगे नरेंद्र मोदी? और आज आप देखिए ना, जनता भूख से मर रही है, टमाटर नहीं है थाली में, टमाटर नहीं है थाली में, दाल नहीं है थाली में, आटा नहीं है थाली में, चावल नहीं है। इस देश की जनता खाना छोड़ दे, इतनी महंगाई कर दी है मेरी बहन कि गांवों में अब चूल्हा नहीं जल रहा है, लोग एक टाइम का भोजन नहीं कर रहे हैं, महंगाई जो है कमर तोड़ रही है, और ये लोग जो है
प्रधानमंत्री 56,000 किलो का मशरूम खाएंगे और 20 लाख का सूट पहनेंगे, इस देश की जनता मरेगी और नरेंद्र मोदी जो है विदेशी दौरा करेंगे, ऐसा अब नहीं होगा। सबका हिसाब होगा और सब जो है। तो जी, इस पर आपकी क्या राय है कि देश की आवाज नहीं सुनते प्रधानमंत्री मोदी जी, बल्कि दो लोगों की आवाज सुनते और उन्हीं के लिए काम करते हैं? मैंने तो यही कहा ना कि नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो दो मुहा चेहरा है, आधा नरेंद्र मोदी है और आधा अडानी है, और ये दोनों मिलकर मोदानी बनते हैं। ये जो मोदानी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आज आप देखिए ना, धड़ल्ले से सारा पैसा पीएम केयर्स का पैसा हो, चाहे 20 लाख करोड़ कोरोना का आर्थिक मंदी हो, जो आर्थिक पैकेज हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से आज इस देश में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, 70% चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को मिलता है, और इसका काला चेहरा इस देश की जनता पहचान चुकी है। बैकडोर से आप अडानी का जो है 5 लाख करोड़ रुपया जो है माफ करते हो, और सामने से उससे 1,000 करोड़ रुपया पार्टी फंड पे लेते हो। ये भ्रष्टाचार हिंदुस्तान नहीं देख रहा है, खुलेआम देख रहा है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान अब इंतजार कर रहा है। यही कहूँगा कि भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लूट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। राहुल गांधी नहीं है, ये क्रांति है, और भारत को बनाने के लिए सड़कों पर चल रही है। पार्टी की बात करें तो राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है, सत्ता में भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर मुद्दे पर बरकरार है। ऐसे में क्या राहुल गांधी ने बीजेपी की नब्ज को टटोल लिया, नब्ज पर चोट मारी है आज, क्योंकि कहा कि आप देशभक्त नहीं बल्कि देश विरोधी हैं? ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी हैं। और कौन कहता है बार बार कि मैं देशभक्त हूँ? जो देशभक्त जिसको प्रूफ करना होता है, आपके अंदर भारत बसता है मेरी बहन, मेरे दिलों में भारत बसता है। भारत भावना है, भारत दिखावा नहीं है, और दिखावा करने वाले लोग आज बताइए ना, अगर सबसे बड़ा विश्वासघात भारत के साथ अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अब अगर भारत को आप नहीं बचाएंगे, आप देश को नहीं बचाएंगे, तो आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अतुल जी, हमारे साथ थे, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, जो दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कि संसद में कमबैक के बाद राहुल गांधी का भाषण आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी जो अभी तक बरकरार है, उसको लेकर आपके मन में सवाल क्या है? क्या मणिपुर में शांति बहाल होनी चाहिए? क्या चलते मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए? फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।